नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज 21 जुलाई दिन रविवार। खबर क्यों बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों को काउंसलिंग में ये डॉक्यूमेंट होंगे जरूरी। प्रदेश में प्लास्टिक फ्री लगेगा श्रावणी मेला। बिहार के 40,000 निजी स्कूलों पर मंडरा रहा खतरा। बिहार भी अब बड़े खनिज वाले राज्यों में हुआ शामिल। फनी किरदार निभाने वाले संजय मिश्रा कभी हुए थे डिप्रेशन के शिकार। इस महीने में फूल गोभी की खेती करना हो सकता है लाभदायक। धोनी से रिजवान की तुलना करने पर हरभजन ने पाकिस्तानी पत्रकार को लगाई फटकार। अब चले बढ़ते अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सिडबी बैंक ने निकाली भर्ती, जल्द करे आवेदन। बैंक में नौकरी की चाह रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा ऑडिट कंसल्टेंट के पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 29 जुलाई है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट sidbi.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 35 वर्ष अधिकतम होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू। अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग के लिए बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा बोर्ड यानी BCECB ने शेड्यूल जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट bcecboard.bihar.gov के जरिए बिहार UGAC काउंसलिंग 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 26 जुलाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की आखिरी तारीख है। साल 2024 के लिए 31 जुलाई को बिहार UGAC और सीट अलॉटमेंट के पहले राउंड के परिणाम की घोषणा होगी। इसमें रजिस्ट्रेशन ऑप्शन भरना, सीट अलॉटमेंट प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करना और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आदि चरणों से गुजरना होगा। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे जानकी कुंड के बारे में। ये कुंड बिहार के सीतामढ़ी में पुनौरा में स्थित एक हिंदू तीर्थ स्थल है, जिसे लोग पुनौरा धाम के नाम से भी जानते हैं। यह स्थान पौराणिक काल में पुंडरिक ऋषि के आश्रम के रूप में विख्यात था। यही वो स्थान है जहां मां जानकी का जन्म हुआ था। धार्मिक कथाओं के मुताबिक इंद्रदेव को खुश करने के लिए मिथिला नरेश जनक ने हल चलाया था, तभी उन्हें मां सीता मिली थी। वहीं पर यहां पर आपको कुंड के अलावे मंदिर भी देखने को मिल जाएगा। यदि आप धार्मिक स्थलों पर घूमने का शौक रखते हैं तो यहां आ सकते हैं। बिहार के 40,000 निजी स्कूलों पर मंडरा रहा खतरा। बिहार में बड़ी संख्या में निजी स्कूलों के बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। ये वैसे स्कूल हैं जो बिना राज्य सरकार की अनुमति के ही संचालित हो रहे हैं। ऐसे स्कूलों की संख्या 40,000 के करीब में है। इन निजी स्कूलों को शिक्षा विभाग ने चेतावनी देते हुए 15 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है। ऐसे में अब इन निजी स्कूलों को 15 अगस्त तक प्रदेश सरकार से अनुमति लेनी जरूरी है। आपको बता दें कि प्रदेश में 12,000 केवल निजी स्कूल ही ऐसे हैं जिन्हें राज्य सरकार से मान्यता मिली। बिहार भी अब बड़े खनिज वाले राज्यों में हुआ शामिल। बिहार भी अब बड़े खनिज वाले राज्यों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। यहां से ग्लोकोनाइट और निकील का खनन इस साल के अंत तक शुरू कर दिया जाएगा। बिहार में 3 खनिज ब्लॉकों की नीलामी शनिवार को हैदराबाद में आयोजित हैकाथॉन में की गई थी। इसमें ग्लोकोनाइट ब्लॉक और पिपराडी भुरवा में एक ग्लोकोनाइट ब्लॉक रोहतास जिले के चुटिया नोहटा में शामिल किया गया है। इसके अलावा निकील ब्लॉक की भी नीलामी गया जिले के गिंजाना में की गई है। इस महीने में फूल गोभी की खेती करना हो सकता है लाभदायक। किसान जुलाई अगस्त के महीने में फूल गोभी की खेती करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। भारतीय थाली में ये सब्जी मुख्य रूप से मांग में रहती है। फूल गोभी को उगाने के लिए ये मौसम सबसे बेहतर मानी जाती है। इसे इस मौसम में मिट्टी में उगाने से आपकी खेतों की उपज तो बढ़ेगी ही, साथ ही बाजार में भी आप अच्छी कमाई कर सकेंगे। लोकल 18 को कृषि वैज्ञानिक सुधीर कुमार ने बताया कि फूल गोभी की खेती अगेती किस्में जैसे अर्ली पटना और अर्ली कुवारी पूसा कटकी जुलाई अगस्त में बुवाई के लिए बिल्कुल सही है। इन किस्मों के फूल मध्य सितंबर से नवंबर तक बाजार में उपलब्ध होते हैं, जो त्योहारों के सीजन में उच्च कीमत पर बिकते हैं।
बिहार में फिल्म प्रोत्साहन नीति को मंजूरी मिलने से कई भोजपुरी कलाकारों ने जताई खुशी। नीतीश कैबिनेट में बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी मिल चुकी है। बिहार सरकार के इस फैसले का कई बड़े से बड़े भोजपुरी स्टार ने स्वागत किया है। रवि किशन ने कहा है कि बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 के लिए बिहार सरकार को धन्यवाद। इस नीति से अब बिहार में भी अनुदान मिलेगा और लोकल कलाकारों को बहुत काम मिलेगा। बिहार में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। वहीं अक्षरा सिंह ने बताया कि ये बिहार के कलाकारों के लिए बड़ा अवसर लेकर आया है। फिल्म नीति के जरिए फिल्म कलाकारों को बिहार में शूटिंग करने का अवसर मिल रहा है। इससे स्थानीय कलाकारों को भी काम मिलेगा। इससे पौराणिक और ऐतिहासिक लोकेशन को भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज मिलेगा, जो पूरे विश्व में लोकप्रिय और प्रशंसनीय है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में नामांकन के लिए इस दिन से शुरू है रजिस्ट्रेशन। डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2024 में सफल विद्यार्थियों के लिए बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की तारीख जारी की गई है। 24 जुलाई से छात्र सरकारी निजी क्षेत्र के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 30 जुलाई है। 5 अगस्त को पहले राउंड का प्रोविजनल सीट आवंटन किया जाएगा। आवंटन लेटर 5 से 9 अगस्त तक डाउनलोड कर सकते हैं। 6 से 9 अगस्त तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। 14 अगस्त को दूसरे राउंड का आवंटन होगा। इस दौरान 16 से 19 अगस्त तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। इस बार सरकारी और प्राइवेट दोनों को मिलाकर पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कुल 21,510 सीटों पर नामांकन किया जाएगा। प्रदेश में प्लास्टिक फ्री लगेगा श्रावणी मेला। सोमवार से सावन महीने के शुरू होने के साथ ही श्रावणी मेले की भी शुरुआत हो जाएगी। मेला पूरी तरह से प्लास्टिक फ्री रहेगा। इसे लेकर पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि सुल्तानगंज से बाबा नगरी देवघर तक श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। साथ ही लोगों के रुकने की भी अच्छी व्यवस्था की गई है। लोगों के विश्राम के लिए टेंट सिटी का निर्माण भी किया गया है। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं। इसके अलावा इनके सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इस दौरान भीड़ पर सीसीटीवी कैमरे के साथ ड्रोन से भी नज़र रखी जाएगी। इस बार गंगा स्नान के समय घाट पर श्रद्धालुओं को लॉकर की सुविधा भी मिलेगी। सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों को काउंसलिंग में ये डॉक्यूमेंट होंगे जरूरी। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को राज्य में पहली सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों के पदस्थापना को लेकर तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षकों के पदस्थापना की कार्यवाही अगस्त के पहले सप्ताह से शुरू होगी। इससे पहले काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। पदस्थापना के बाद ये सभी शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे और इन्हें राज्य कर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। इस काउंसलिंग में शामिल होने से पहले शिक्षकों को कुछ जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं। इस दौरान शिक्षक अपने मूल जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगों के लिए मूल दिव्यांग पत्र, मूल आधार कार्ड, नियोजन पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र, स्नातक प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र, डीएलएड बीएड प्रमाण पत्र, दक्षता बीटीईटी एसटीईटी सीटीईटी प्रमाण पत्र लाना जरूरी है। ट्रेन से यात्रा करते हैं तो ये बात जानना बेहद ही जरूरी। इस हमें से कई लोग ऐसे हैं जो ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं। ट्रेन से यात्रा करना सबसे किफ़ायती और आरामदायक होता है, लेकिन ट्रेन से यात्रा करने के दौरान आपको कुछ बातों को जानना बेहद ही ज़रूरी है। अगर आप जनरल कोच में सफ़र करने वाले हैं और आपकी यात्रा 199 किलोमीटर से कम दूरी की है, तो आपको 3 घंटे से पहले टिकट लेना नहीं चाहिए। यदि 199 किलोमीटर तक के सफ़र में आपने 3 घंटे पहले टिकट लिया है, तो इसे अमान्य कर दिया जाएगा और इस स्थिति में आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। यदि आप 199 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी का सफ़र तय करते हैं, तो आप 3 दिन पहले भी इस टिकट को ले सकते हैं। समस्तीपुर से शराब तस्करी का मामला आया सामने। बिहार में शराब तस्करी का एक और ताज़ा मामला समस्तीपुर से सामने आया है। समस्तीपुर में गुप्त सूचना के आधार पर दरभंगा जा रही एक बस से अवैध शराब को पुलिस ने बरामद किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने एक तस्कर को भी धर दबोचा है। बस की छानबीन में ये शराब बस की डिक्की में रखे मिले हैं, जिसे कुरियर जैसे सीलबंद पैकेट में रखा गया था। बस में शराब के ये सीलबंद कुरियर जैसे दिखने वाले डिब्बे बड़ी संख्या में थे। इस मामले में पकड़े गए तस्कर से पूछताछ की जा रही है।
शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय से महिलाओं के निःशुल्क नामांकन की क्षतिपूर्ति रिपोर्ट की मांग। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों से अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं को स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा में नामांकन के समय किसी तरह का शुल्क नहीं लेने के कारण हुई आर्थिक क्षति के विरुद्ध मांगी गई प्रतिपूर्ति राशि की रिपोर्ट शिक्षा विभाग द्वारा मांगी गई है। शिक्षा विभाग ने चार्टर्ड अकाउंटेंट से वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 व 2023-24 में प्रतिपूर्ति मांगी गई राशि को सत्यापित करवाकर रिपोर्ट देने की बात कही है। सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों और वित्त पदाधिकारियों को विभाग की उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर रेखा कुमारी ने पत्र लिखा है, जहां उन्होंने कहा है कि उक्त रिपोर्ट कुल सचिव और वित्त पदाधिकारी के हस्ताक्षर के साथ भेजने। फनी किरदार निभाने वाले संजय मिश्रा कभी हुए थे डिप्रेशन के शिकार। बिहार के छोटे से शहर दरभंगा से फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाले संजय मिश्रा लोगों के बीच खूब पसंद किए जाते हैं। इनके कई एक से एक डायलॉग हैं जो एक बार में भी लोगों को हंसाने के लिए काफ़ी हैं। संजय मिश्रा को अक्सर फिल्मों में हमने काफ़ी फनी किरदार के रूप में ही देखा है, लेकिन फनी किरदार निभाने वाले संजय मिश्रा ने बताया कि जब वो फिल्म वध कर रहे थे तो उस वक्त वे डिप्रेशन के शिकार हो गए थे, क्योंकि इन्हें इस वक्त 45 डिग्री में चंबल में शूट करना पड़ रहा था। उस समय कोई भी एसी नहीं थी और कई वजहों से भी ये परेशान थे। संजय मिश्रा ने बताया कि वो किसी भी डायलॉग को बोलने के लिए जोर नहीं देते हैं, वे नेचुरली ही अपने डायलॉग को बोलने की कोशिश करते हैं। बिहार के जिलों में बारिश की है संभावना। बिहार में बारिश थमने के साथ ही लोगों को उमस भरी गर्मी सता रही है। कई जगहों के तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आने वाले 2 से 3 दिनों तक प्रदेश के मौसम में कुछ खास बदलाव की संभावना नहीं जताई गई है। आज बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल में मौसम शुष्क रहने की बात कही गई है। प्रदेश में अन्य कुछ जगहों पर बारिश की भी संभावना है। आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी में 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन या वज्रपात की संभावना जताई गई है। वहीं प्रदेश में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री रहने की बात कही गई है। दरभंगा स्थित कार्यालय परिसर में युवाओं के लिए लग रहा रोजगार कैंप। 22 जुलाई को दरभंगा स्थित कार्यालय परिसर में बिहार के दरभंगा में श्रम संसाधन विभाग द्वारा युवाओं के लिए कैंप लगाया जा रहा है। इस कैंप का उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना है। इसकी जानकारी दरभंगा के नियोजन पदाधिकारी मृणाल कुमार चौधरी ने दी है। उन्होंने बताया है कि ये कैंप श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत इस कैंप का आयोजन ITI रामनगर के पास संयुक्त श्रम भवन लहेरिया सराय के कार्यालय परिसर में होगा। कैंप का आयोजन सुबह 11 बजे से शाम के 3 बजे तक किया जाएगा। इसमें चयनित अभ्यर्थियों को 12,000 से लेकर 16,000 रुपये तक की सैलरी मिलेगी। इसमें भाग लेने के लिए NCS पोर्टल www.ncs.gov.in पर अपना निबंधन जरूर करवाएं। इसमें भाग लेने के लिए जरूरी दस्तावेज भी लेकर पहुंचें। राबड़ी देवी बने विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष, तो ये नेता बने सचेतक। 22 जुलाई से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में राबड़ी देवी नजर आएंगी। इसके लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। वहीं सचेतकों के मनोनयन की स्वीकृति भी बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने प्रदान कर दी है। इसमें जनता दल के विधायक गोपाल मंडल, भारतीय जनता पार्टी के हरिभूषण ठाकुर बचौल, भाजपा विधायक संजय सरावगी, जदयू विधायक राजकुमार सिंह, जदयू विधायक सुधांशु शेखर, भाजपा विधायक वीरेंद्र सिंह, भाजपा विधायक कृष्ण कुमार ऋषि, भाजपा विधायक आलोक रंजन, भाजपा विधायक विजय कुमार मंडल को सचेतक की जिम्मेदारी दी गई है। प्रशांत किशोर ने विज्ञप्ति जारी कर दी ये जानकारी। बिहार में विधानसभा चुनाव में इस बार प्रशांत किशोर भी उतरने वाले हैं। इसे लेकर पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर के मैदान में आने से इंडिया गठबंधन और NDA की परेशानी बढ़ सकती है। प्रशांत किशोर के जन सुराज ने एक विज्ञप्ति के जरिए बताया है कि प्रशांत किशोर से प्रभावित होकर संगठन से लगातार बिहार के सभी जिलों से लोग जुड़ रहे हैं। इस कड़ी में आम लोगों के साथ ही कई दलों के राजनीतिक नेता और कार्यकर्ता जन सुराज में भी शामिल हो रहे हैं। विज्ञप्ति में बताया गया है कि राजद, भाजपा और जदयू से जुड़े कई नेताओं ने अपने दलों से इस्तीफा देकर जन सुराज की सदस्यता ली है। जन सुराज ने कई नेताओं के लिस्ट भी जारी किए हैं।
जदयू नेता श्रवण कुमार ने राजद पर साधा निशाना। बिहार शरीफ पहुंचे जदयू नेता और मंत्री श्रवण कुमार ने सर्किट हाउस में कई लोगों की समस्या सुनी, साथ ही अधिकारियों को भी कुछ निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि महागठबंधन का ये प्रदर्शन सिर्फ दिखावे के लिए है। इन लोगों का मकसद सिर्फ प्रदर्शन करने का नहीं, पॉलिटिकली माइलेज लेना चाहते हैं। मगर बिहार की जनता जानती है कि इनके माता पिता के समय जो सरकार थी उस समय की स्थिति और अभी की स्थिति में क्या अंतर है। नीतीश सरकार पर राजद नेता सुधाकर सिंह ने खड़े किए सवाल। बिहार में बढ़ रहे आपराधिक कानून को लेकर कई तरह के सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। उसके बाद इस मामले को लेकर सीएम नीतीश ने भी समीक्षा बैठक की। इस पर अब राजद नेता सुधाकर सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि अगर बिहार में अपराध को रोकना है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बदलना ही सबसे जरूरी काम है, तभी यहां अपराध रुकेगा। आगे उन्होंने कहा कि ये दुखद है कि मुख्यमंत्री को हर अपराध की खबरों की जानकारी एक सेंट्रल डेटा के जरिए आती है, लेकिन इसके बाद भी अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है। बिहार में जिस तरह से पैसों के लेन देन और अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहे हैं, उससे बिहार में ना अपराध रुकेगा और ना ही कानून व्यवस्था में सुधार होगा। धोनी से रिजवान की तुलना करने पर हरभजन सिंह ने पाकिस्तानी पत्रकार को लगाई फटकार। पाकिस्तान के एक पत्रकार ने मोहम्मद रिजवान की तुलना भारत के दो बार के विश्व विजेता महेंद्र सिंह धोनी से कर दी है। इस पर पाकिस्तान के पत्रकार की भारतीय टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने जमकर फटकार लगाई है। पाकिस्तान के पत्रकार फरीद खान ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था कि एमएस धोनी और मोहम्मद रिजवान दोनों में से कौन बेहतर है, ईमानदारी से बताइए। इस पोस्ट को देखते ही हरभजन सिंह ने जवाब में लिखा, आजकल आप फूंक रहे हैं, क्या बकवास सवाल है भाइयों, इसको बताओ धोनी बहुत आगे है रिजवान से। अगर आप रिजवान से भी पूछोगे तो वो भी आपको इसका जवाब ईमानदारी से देगा। मुझे रिजवान पसंद है, वो अच्छा प्लेयर है और इंटेंट के साथ खेलता है, लेकिन ये तुलना गलत है। धोनी आज भी विश्व क्रिकेट में नंबर एक पर है, विकेट से पीछे उनसे बेहतर कोई नहीं है। हरभजन सिंह के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1883 में कोलकाता में भारत के पहले सार्वजनिक थिएटर की शुरुआत हुई थी। आज के दिन वर्ष 1962 में भारत चीन के बीच सीमा पर युद्ध हुआ था। आज के दिन वर्ष 1963 को काशी विद्यापीठ को विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। आज के दिन वर्ष 1988 को भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह का प्रक्षेपण हुआ था। आज के दिन वर्ष 2007 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। आज के दिन वर्ष 2008 में नेपाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भारतीय मूल के रामवरण यादव को नेपाल का पहला राष्ट्रपति चुना गया था। इंडिया पोस्ट के नाम पर वायरल हो रहा ये मैसेज। कई लोगों को इंडिया पोस्ट ऑफिस के नाम पर एक मैसेज मिल रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि आपके पार्सल या पैकेज वेयर हाउस में पहुंच चुके हैं, लेकिन अधूरी जानकारी के कारण ये आपके घर तक डिलीवरी नहीं हुआ है, इसलिए इसमें दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपने एड्रेस को अपडेट करें। लेकिन आपको बता दें कि इंडिया पोस्ट द्वारा ऐसा कोई मैसेज किसी को भी सेंड नहीं किया गया है। इंडिया पोस्ट ने खुद इसकी जानकारी दी है, इसलिए इस तरह के मैसेज पर विश्वास करने से बचें, ये पूरी तरह से फेक है। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इसे शेयर करते हुए फेक बताया है। Xiaomi भारतीय मार्केट में आई नंबर वन, वीवो सैमसंग को भी छोड़ा पीछे। मार्केट रिसर्च फर्म कैनालिस्ट ने स्मार्टफोन में मार्केट ग्रोथ को लेकर एक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के जरिए जानकारी मिली कि इंडियन स्मार्टफोन मार्केट ने Q2 2024 में सिर्फ 1% की ग्रोथ दर्ज की है। इसके पीछे कई कारक बताए गए हैं, जिसमें इस अवधि के दौरान भारत में चुनाव होना, मौसम की भीषण गर्मी, सीजन में कम डिमांड आदि शामिल है। फिर भी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों की रैंकिंग में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। Xiaomi पिछले कई महीनों से टॉप पोजिशन में वंचित थी, लेकिन अब वो नंबर वन पर आ चुकी है। दूसरी तिमाही में इस कंपनी ने 18% का मार्केट शेयर लिया है। Xiaomi के बाद दूसरे नंबर पर Vivo, फिर तीसरे नंबर पर Samsung, Realme और Oppo का स्थान है। संसद में पहले शाम को पेश किया जाता था बजट, जाने क्यों टूटी ये परंपरा। 23 जुलाई को केंद्र सरकार अपना तीसरा बजट पेश करेगी। मानसून सत्र का ये बजट सुबह 11 बजे पेश किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि पहले ये बजट शाम के 5 बजे पेश किया जाता था, लेकिन शाम में बजट पेश करने की ये परंपरा कैसे बदली और सुबह में ये बजट कब से पेश किया जाने लगा, आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे।
शाम में 5 बजे 1999 तक बजट पेश किया जाता था। ये परंपरा ब्रिटिश सरकार के समय से चली आ रही थी, लेकिन अब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी तो इसका समय सुबह 11 बजे तक कर दिया गया। इसके अलावा पहले बजट फरवरी के आखिरी दिन पेश होता था, लेकिन अब बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है, क्योंकि भारत अब ब्रिटिश उपनिवेश नहीं था, जिस वजह से इसके समय को बदल दिया गया। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 15 जुलाई, ऑप्शन बी है 17 जुलाई, ऑप्शन सी है 16 जुलाई, ऑप्शन डी 18 जुलाई। इसका सही उत्तर है 17 जुलाई। हाल ही में किसे महारेरा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मानवी मधु कश्यप, ऑप्शन बी है मनोज सोनिक, ऑप्शन सी अरुण बंसल, ऑप्शन डी है राजीव कुमार। इसका सही उत्तर है मनोज सोनिक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़का भाव योजना शुरू की है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। शेर शाह सूरी की मस्जिद बिहार में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है सासाराम, ऑप्शन सी है चंपारण, ऑप्शन डी है पूर्णिया। इसका सही उत्तर है सासाराम। पटना में 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी अंबिकांत सिंह, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है सत्यनारायण सिंह। इसका सही उत्तर है अंबिका कांत सिंह। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है विनोद, महात्मा राज के सोर महतो, वेद प्रकाश, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, मुन्ना प्रसाद, वरुण कुमार, शोभा कुमारी, सोनू कुमार, जितेंद्र शाह, नौसाद राजा, अजीत कुमार, अनवर करीम खान। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपने कभी प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने की पहल की है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देख रहे हैं बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।